जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने प्रिय दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करते हूँ। हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में आप सभी हमारे साथ आत्मीय आनंद में भाग ले सकते हैं। मत्तई 7:7 के द्वारा प्रभु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3:8 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो आज इस समय में क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद करें, उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक द्वार खोल रखा है, एक अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य वो हमारे जीवन में करना चाहते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना और स्तुति महिमा के द्वारा उनका स्तुति गान करें, उनका गुणगान करें और उनका धन्यवाद करें। प्रार्थना और कुछ गीतों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वाधिकारी, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, स्तुति योग्य परमेश्वर, प्रशंसा योग्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बात का जो आपने हमारे जीवन में किया है। हर एक उस सहायता के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। प्रभु, इस समय में प्रभु हम तेरी शरण में हैं और हम विश्वास करते हैं कि आत्मिक शक्ति और आत्मिक बल आप ही के द्वारा हम सबको प्रदान की जाएगी। प्रभु, सही रास्ता और सही दिशा आप ही के नाम से मिलती है। प्रभु, उन सारी क्रियाओं के लिए, उन सारी बातों के लिए जो आपके नाम के स्मरण की शक्ति के द्वारा हमें मिली है, प्रभु हम तेरे नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं कि तूने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे परिणाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे परमेश्वर का दिया हुआ है। अपने जीवन में से 10वां अंश उन्हें लौटाते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। क्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, क्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज बेटे भी लाना है, निज बेटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है, भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवाही लौटाना है, दसवाही लौटाना है,
क्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य बनाना है, सारा जीवन दे दो। परमेश्वर, यदि आप हमारे जीवन में नहीं हैं तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। हमें अपनी करुणा और दया के अधीन रखें। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना सीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले ये मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा, पहले ये मन में सोचा फिर दिल में मेरे ये जागा, अर्पण मैं करता हूँ तुझको जीवन ये मेरे मसीहा। पहले ये मन में सोचा फिर दिल में मेरे ये जागा, अर्पण मैं करता हूँ तुझको जीवन ये मेरे मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, अब दिल की चाह यही है तुझ में ही डूबा रहूँ मैं, अब दिल की चाह यही है तुझ में ही डूबा रहूँ मैं, मिलता रहे साथ तेरा। यह समय है प्रभु के दास के द्वारा पवित्र और परिशुद्ध वचनों को सुनने का, तो आइए हम सब अपने हृदय को नम्र करें और उनके वचनों की ओर ध्यान लगाएं। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम आज के संदेश में जाएंगे। और आज के संदेश के लिए हम मत्ती सुसमाचार में से पढ़ेंगे, उसके पांचवें अध्याय में से 38 से लेके 42 तक चार आयतों पे आज हम मनन करेंगे। अब ये जो मत्ती 5, 6 और 7, ये जो तीन अध्याय हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है नए नियम में। इसका एक कारण तो ये है क्योंकि इन्हें प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को बोला था, और दूसरा ये भी है कि ये सबसे लंबा लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। ऐसा हो सकता है प्रभु ने बहुत और भी लंबे लंबे उपदेश दिए हों अपने चेलों को, पर हमारे पास अभी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ तो सबसे लंबा यही उपदेश है। ये 3 अध्यायों में है, 5वें अध्याय से शुरू होता है और 7वें अध्याय तक जाता है, और इस उपदेश में प्रभु ने बहुत सारी बातों का वर्णन किया है जो मसीह जीवन में
बिल्कुल बुनियादी रूप की बातें हैं। तो ये जो तीन अध्याय हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आज इनमें से हम चार आयतों के बारे में मनन करेंगे। एक बात अगर आप सोचिए, अगर आपके या मेरे मन में ऐसा कभी विचार आए कि हम वो वचन सुनना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हों, मतलब आज बहुत प्रचारक हैं, हम सब लोग नए नियम में लिखे हुए पवित्र शास्त्र में से प्रचार करते हैं, परंतु अगर कोई प्रभु यीशु मसीह का ही उपदेश सुनना चाहे तो ये एक उपदेश है 5 से 7 में। तो आइए इसमें से पढ़ते हैं। पहले हम उन चार आयतों में जाने से पहले 5वें अध्याय की पहली आयत से आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ कि ये जो उपदेश प्रभु ने दिया था पहाड़ के ऊपर से, ये चेलों के लिए ही है, ये और लोगों के लिए नहीं है। तो पहली आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि वह प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर एक पहाड़ पर चढ़ गए, और जब पहाड़ पर वो बैठे थे तो उनके चेले उनके पास आए। और दूसरी आयत में लिखा है उन्होंने अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश दिया। तो प्रभु ने जो है ये उपदेश अपने चेलों को दिया है। तो हम सब लोग जो प्रभु को अपना चेला मानते हैं, प्रभु को प्रभु के पीछे चलने की आशा रखते हैं, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जब प्रभु ने ये उपदेश अपना पहाड़ के ऊपर से खत्म कर दिया था तो उस उपदेश के बारे में कुछ और बोला। वो बोला है मत्ती उसके 7वें अध्याय में, यहाँ पे आपको 24वीं से 29वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु ने इस उपदेश की तुलना किस चीज से करी। और ऐसा प्रभु ने और उपदेशों के बारे में नहीं बोला है जैसा इन 3 आयतों में बोला। तो 7:24 में देखिए क्या लिखा है। 7:24 में लिखा है प्रभु ने बोला, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, कौन सी बातें सुनकर, ये जिन जो उन्होंने अभी उपदेश में बोली यानी मत्ती 5, 6 और 7, जो कोई मेरी इन बातों को सुनकर उन्हें मानता है। तो दो बातें, एक तो इन 5, 6, 7 अध्यायों को सुनना है, समझना है, और तीसरी बात क्या है, इनको करना है, इनको मानता है या इन पे चलता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हियर्स एंड डज, हिंदी में जो कोई सुनता है और मानता नहीं करता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। तो प्रभु ने बोला कि वो जो है एक बुद्धिमान मनुष्य है, और घर क्या है, यहाँ पे घर उसका जीवन है, उसका जो जीवन है वो किस पे बना हुआ है, एक चट्टान पे बना हुआ है। 25वीं आयत, और मेह बरसा और बाड़े आए और आंधियां चली और उसके घर पर टकरे लगी, मतलब उस घर पे बहुत तरीके के जोर शोर से विरोध हुआ उस घर के ऊपर, परंतु वह नहीं गिरा। वो क्यों नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और वो चट्टान क्या है, यही बातें जो प्रभु ने इस उपदेश में दी है, जो इस पहाड़ से उपदेश में दी है। और इन 3 आयतों को इंग्लिश में बोलते हैं सर्मन ऑन द माउंट, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, और हम हिंदी में बोलते हैं ये प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ से उपदेश दिया था। तो ये बातें जो है मसीह जीवन में चट्टान की नाई, मतलब बुनियादी है, घर की जो बुनियाद है वो चट्टान जैसी बुनियाद है, तो बहुत ही प्रमुख है हमारे जीवन में, है ना। अगर हम जानना चाहते हैं और जांचना चाहते हैं, अपने आप को अंदाजा लगाना चाहते हैं कि भाई हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से आत्मिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, तो कैसे पता लगाए, इन 3 अध्यायों से। ये 3 अध्याय जो है वो क्या है, एक बुनियाद है हमारे मसीह जीवन की, यही बताती है कि हमारे जो व्यक्तिगत जीवन है उसका विकास कैसा हो रहा है, यही 3 आयतें बताती हैं। देखिए आगे और भी प्रभु ने कुछ बोला 26वीं आयत में, परंतु जो कोई मेरी यहाँ बातें सुनता है पर उन पर नहीं चलता है वह निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वो भी मतलब बातें सुनता तो है, उसे पता तो है, प्रचार भी कर सकता है, मेरी तरह सुन भी सकता है, जानता भी है, समझता भी है, पर केवल उतना उतना जो है उतना पूरा नहीं है, क्या और चाहिए, उनपे चलता भी है। जो उनपे चलता है, और अगर नहीं चलता है तो वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान है, उसका घर जो है वो बालू पे बना हुआ है। सामने से तो हो सकता है दोनों घर एक जैसे दिख रहे हो, पर जो उस पे चलता है वो
वो उसकी बुनियाद है, उसकी बुनियाद बालू से बनी हुई है। और मैं बरसा, बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिर कर उसका सत्यानाश हो गया। तो देखिए, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन की जो बुनियाद है वो चट्टान पे बनी हो। इसीलिए प्रभु ने ये उपदेश दिया था 3 आयतों में। और ये उपदेश जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में बोलता है। तो आप इन 3 आयतों को पढ़, तीनों अध्याय को अपने आप भी पढ़िए, और आज हम इनमें से कुछ ये 4 आयतें पढ़ेंगे, 5वें अध्याय की। और एक बात और देखिए कि इस इन 3 अध्याय को करने के लिए हम अपने आप ये नहीं कर सकते हैं। तभी प्रभु ने, जब ये वचन खत्म हो रहा था ना, जब उन्होंने उपदेश खत्म किया, तो ये तो बोला ही कि उपदेश जो है वो हमारे जीवन में एक बुनियाद के रूप में है। उसके अलावा ये भी बोला कि जो मांगता है उसे मिलता है, जो खोजता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है द्वार। तो अंत में यही इसीलिए लिखा था कि हमें इस वचन को करने के लिए प्रभु की पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। सो इसको आप पढ़िए, अपने आप से जानिए और प्रभु से सहायता मांगिए। प्रभु चाहता है, इसीलिए प्रभु ने ये सब बातें बोली हमसे। तो इतने बाद में आइए हम अपनी आयतें पढ़ते हैं, 5वें अध्याय में जो 4 आयतें हमने सोची आज पढ़ने को। तो मैं पढ़ रहा हूँ 38वीं आयत से, 5वें अध्याय की 38वीं आयत से। उसमें लिखा है, तुमने सुना है, कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो ऐसा कहाँ कहा गया था? ऐसा पुराने नियम में बोला गया था। पुराने नियम में ऐसा था कि आप आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, का अर्थ यह है कि आपने, अगर किसी ने आपका कुछ बुरा किया है तो उतना ही आप उसके उस पे बुरा कर सकते हैं या फिर उतना न्याय ले सकते हैं। ये ठीक था पुराने नियम में। अब देखिए प्रभु क्या बोल रहे हैं नए नियम के लोगों के लिए, 39वीं आयत से। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि किसी बुरे व्यक्ति का विरोध मत करो। तो यहाँ प्रभु पहले ही मान ले रहे हैं कि जो दूसरा जना है वो गलत है, वो बुरा व्यक्ति है, उसी ने बुरा किया है, आपने नहीं किया है बुरा। परंतु जब आपके साथ वो ऐसे बुरा कर रहा है तो प्रभु बोल रहे हैं उसका विरोध मत करो। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा, तो क्या किसी का कभी विरोध ही नहीं करना है क्या? तो उसको समझाने के लिए प्रभु ने आगे 4 उदाहरण दिए इन्हीं आयतों में। उन 4 उदाहरणों को जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि प्रभु क्या बात सिखाना चाहते थे हमें, किस प्रकार का विरोध मत करो बोलना चाहते थे और प्रभु का क्या उद्देश्य है शिक्षा को देने में। तो वो देखिए 4 उदाहरण क्या दिए हैं। जो पहला उदाहरण को लिखा है, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है, यदि कोई तुझ पर मुकदमा चलाकर तेरा कुर्ता भी उतरवाना चाहे तो उसको अपना चोंगा दे दे। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा क्या है, यदि कोई तुझे 1 मील चलाए तो तू उसके साथ 2 मील चला जा। और आखिरी उदाहरण है, यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे वहां दे दो, जो तुझसे उधार लेना चाहता है उसे मना मत करो। तो देखिए इन 4 उदाहरणों से हमें कुछ समझ में आता है कि कब हम विरोध, किन बातों के लिए हमें विरोध नहीं करना है। ये शिष्यों को बोली है कि उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए कैसे करना है। तो यहाँ प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो जीवन की छोटी मोटी असुविधाएं होती हैं, है ना, इस अभी मैं आपको और बताऊंगा, पर यहाँ पे देखिए जो छोटी मोटी असुविधाएं होती हैं और जो लोग ऐसे हमें असुविधाएं देते हैं उनका विरोध नहीं करना है। उन छोटी मोटी असुविधाओं को एक अलग तरीके से हमारा उनके प्रति रवैया होना है, बदले की भावना या फिर अपने आप में परेशान नहीं होना है। देखिए क्या होता है ना, हम कैसे विरोध करते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम जो है ना विरोध, ये नहीं कि लड़ते झगड़ते नहीं हैं, पर हम अपने अंदर ही मन में विरोध करते रहते हैं। हमारे मन में ही उनके वो जिसने हमें असुविधा दी है उस व्यक्ति के प्रति क्या है, हमारे मन में ही एक तरीके से झगड़ा चलता रहता है। हम पूरे समय उसी से बात करते रहते हैं जबकि वो हमारे सामने भी ना हो। और प्रभु चाहता है कि हम इस तरीके के अंदर से बॉदर ना, जैसे अंदर से झंझट में ना रहे। और इसीलिए प्रभु ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी रोजमर्रा की
मामूली और सामान्य असुविधाओं को किस प्रकार अपने जीवन में हमें संभालना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन छोटी छोटी बातों को संभालें, प्रभु ने जैसा हमें समझाया है उससे। क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों को रोजमर्रा की अच्छे से नहीं संभालेंगे तो क्या होगा, पूरे समय हम अंदर ही अंदर किसी न किसी से झगड़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर किसी न किसी से बातें करते रहेंगे, और उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक तरह की असुविधाओं पीड़ा होगी, और उससे जो वचन है हमारे अंदर वो पनप नहीं पाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा, ये कटीली झाड़ियों के समान होगी। आपने, आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा ना, प्रभु ने जो दृष्टांत सुनाया था, वो दृष्टांत बीज और बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसमें क्या बोला था, एक किसान था जो बीज बोने के लिए जाता है, और वो अलग अलग जगह पर बीज बोता है। कुछ बीज जो है वो मार्ग में गिर जाते हैं, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं। जो मार्ग में गिरते हैं वो लोग तो वो है जिन्हें वचन समझ में ही नहीं आया, और जो है वो तो उनके लिए क्या है, वो वचन कोई भी काम वो फल नहीं लाता है। पथरीली भूमि वाले वो लोग हैं जो जो पूरा प्रयास नहीं करते हैं वचन को करने का, उनको समझ में आता है, बहुत खुश होते हैं, पर क्योंकि प्रयास नहीं करते हैं वचन को करने का, तो थोड़े दिनों बाद ठंडे पड़ जाते हैं। पर तीसरे लोग क्या थे, तीसरे लोग वो थे जिन्हें वचन तो समझ में आता है और उसको प्रयास भी करते हैं करने का, है ना, पर क्या है, उनके जीवन में कटीली झाड़ियां होती हैं। तो कटीली झाड़ियां क्या होती हैं, वो मतलब वचन को दबा देती हैं, वचन को दबा देती हैं, तो वचन क्या है, वचन फल नहीं ला पाता है। अब ऐसा लगे कटीली झाड़ियां क्या है, तो प्रभु ने समझाया था कि जो कटीली झाड़ियां हैं ये कई प्रकार की होती है, तीन या चार प्रकार की, पर जो पहली बात बोली थी कटीली झाड़ियों के बारे में वो क्या है, कि ये है संसार की चिंताएं। ये कोई जो कटीली झाड़ियां है कोई पाप पाप जैसी बात नहीं थी, ये क्या थी, चिंताएं थी अंदर, संसार की चिंताएं। इनका क्या अर्थ है, इनका कई कई तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, पर एक अर्थ इनका ये भी ये है कि जो हमारे अंदर या तो चिंता रहती है, या फिर एक तरीके की ये दूसरों को विरोध करने की भावनाएं अंदर रहती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन पे विजय प्राप्त करें। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे अंदर ये भावनाएं आएंगी ही नहीं, पर इसका ये अर्थ है कि जब हम इनको समझेंगे कि प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इनका जो समय है, जितने समय तक ये हमारे अंदर रहेंगे, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, हमें उन चीजों से इतनी असुविधा हो पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि हमें प्रभु जो बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आएगा। तो ये एक एक करके उदाहरण देखते हैं जो प्रभु ने बोला है। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण क्या था, कि अगर कोई 38 39 में देखिए प्रभु ने बोला है कि किसी भी बुरे व्यक्ति का विरोध मत करो, यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो। अब ये समझना बहुत ही शुरू में बहुत मुश्किल होता है, इस क्या अर्थ है, क्या प्रभु ये बोल रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको ये बोल दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, बोलो कि इधर भी मारो, हो सकता है वो तो दूसरी तरफ भी मार दे। तो इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अपने जीवन में ही ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा ना, जब प्रभु को पकड़ के ले गए थे, है ना, प्रभु को पकड़ के ले गए थे, और जो एक पायदा था उसने क्या किया था, उसने प्रभु को थप्पड़ मारा था। हम पढ़ भी सकते हैं उसके बारे में, यूहन्ना उसके 18वें अध्याय में है, यूहन्ना उसका 18वां अध्याय और 22 और 23 पढ़ते हैं। देखिए, तब उसने यह कहा तो पायदों में से एक जो पास खड़ा हुआ था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक से इस प्रकार उत्तर देता है। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, एक जो पायदा था उसने प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारा, बोला कि तुम क्या महायाजक से इस प्रकार बात करते हो। 23, यीशु ने उससे उत्तर दिया। तो देखिए प्रभु ने ये नहीं बोला उसे कि तुम मुझे एक और थप्पड़ मारो, प्रभु ने उसे एक उत्तर दिया, यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो उस बुराई पर तुम गवाही करो, मतलब अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो तुम बताओ क्या गलत बोला है, पर अगर मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो देखिए इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा हो तो आप दूसरा गाल उनकी तरफ करें, ये ऐसा ऐसा बाहरी रूप से वो ऐसा पढ़ के लगेगा, पर उसका वो अर्थ नहीं है। और ऐसे आप सोचिए भी ना, पर थप्पड़ कभी कहाँ ही पड़ते हैं आजकल, आजकल तो स्कूल में बच्चों को थप्पड़ नहीं पड़ते हैं, और ये चीज तो शिष्यों को लिखी हुई है ना, एक बार आप अपना 20 साल से ऊपर हो जाते हैं तो शायद ही कोई किसी को थप्पड़ मारता है। तो यहाँ पर थप्पड़ मारने का मतलब वो नहीं है
कि ऐसे हाथ से गाल पे मारना। थप्पड़ मारने का अर्थ ये है कि मतलब किसी प्रकार से, जब किसी को थप्पड़ मारते हैं तो क्या, या तो किसी प्रकार से उनमें किसी तरह का सुधार लाना चाह रहे हैं, कोई सुधार, कोई करेक्शन उनमें बताना चाह रहे हैं, वो एक तरीके का थप्पड़ लग सकता है, या फिर किसी का कुछ आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने क्रिटिसिज्म टाइप का, मतलब उन्होंने कुछ उनकी उनके किसी काम पे, तो वो एक थप्पड़ टाइप का, थप्पड़ जैसा लग सकता है, या पर किसी की हम अपमान कर रहे हैं तो एक थप्पड़ समान लगेगा। तो आप ये देखिए कि थप्पड़ मारने से, या तो किसी में कोई सुधार की बात बोलना, अपमान बोलना, आलोचना करना, इन सब से क्या है, मतलब ये छोटी चीजें हैं, ऐसा नहीं है थप्पड़ मारने से किसी की हत्या हो जाती है। अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया तो क्या है, हमें उसके उसका विरोध नहीं, क्या होता है अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम एकदम से उसका विरोध करने लगते हैं, उसको सामने तो बोलेंगे नहीं, हम क्या होगा, पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा, रात खराब हो जाएगी, हो सकता है हफ्ता खराब हो जाए, फिर उसी से हम झगड़ते रहेंगे अपने मन में। वो ही प्रभु बोल रहा है कि उनका विरोध मन में मत करो, क्योंकि अगर आप मन में किसी का विरोध करते रह रहे हैं पूरे समय, तो प्रभु का प्रेम आपके अंदर से नहीं बाहर जा रहा है। अगर प्रभु का प्रेम ही प्रभु का जीवन है ना, प्रभु प्रेमी है, तो उसका जीवन जो है वो प्रेम है, तो अगर प्रेम नहीं बाहर जा रहा है तो क्या है, हम अपने आत्मिक जीवन में वहीं रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या करना है, प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला कि उसकी तरह दूसरा दूसरा गाल बढ़ाओ। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि मतलब एक बार इस तरीके से सोचो, है ना, एक बार सोचो कि भाई हो सकता है मैंने ही कोई गलती करी हो, इसी वजह से उसने थप्पड़ मारा, इसी वजह से उसने सुधार के लिए बोला, हो सकता है मैंने ही काम में कोई कमी हो, इसी वजह से किसी ने मेरे आलोचना करी। तो जब हम एकदम से दूसरा गाल पलटने का अर्थ है, एकदम से हम ऐसी अपने आप को ऐसी पोजीशन में ला रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है वो सही और मैं गलत हूँ। जैसे ही हम इस तरीके से विचार करने लगते हैं तो क्या होता है, हम उससे झगड़ने की जगह अपने ऊपर जांच करने लगते हैं, है ना, एक बार हम अपने ऊपर जांच करने लगते हैं, हम प्रभु से फिर पूछने लगते हैं, प्रभु से बात करने लगते हैं उस बारे में, तो वो विरोध हमारे अंदर से चला जाता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि सच में वो सही था, जो वो सुधार लाना चाह रहा था वो सही था, क्योंकि ऐसा तो जीवन में होगा ही ना कि आपको सुधार के लिए कोई ना कोई कुछ बोले, ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरे जीवन में आपको कोई थप्पड़ ना पड़े। अब वैसा है कि वैसे हाथ से गाल पे नहीं पड़ेगा, पर और तरीकों से होगा, क्योंकि हम सब में कमियां हैं, हम सभी कुछ ना कुछ गलत करते हैं, और अगर हमें कोई बताएगा ही नहीं तो हम सही कैसे होंगे। और पवित्र शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा है कि जो मित्र के हाथों के जो घाव होते हैं, जो मित्र के हाथों के घाव होते हैं, वो बहुत विश्वास योग्य होते हैं, क्योंकि वो मित्र बोल रहा है ना। और तो इसीलिए हमें और ऐसा हमारे जीवन में होता रहेगा ना, तो इसीलिए हमें प्रभु की आज्ञा को ध्यान रखना है कि जब हमें कोई जना एक गाल पर, तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा गाल करो, मतलब उसको सही मानकर अपने को गलत मानकर एक बार सोचो, प्रभु से बातचीत करो कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, उसने सुधार के लिए क्यों बोला, अपमान क्यों किया मेरा, और उससे क्या होगा, हमारे अंदर विरोध नहीं आएगा, और जब हमारे अंदर विरोध नहीं आएगा तो हम उसको अच्छी तरीके से देख पाएंगे, और हम सच में वो सुधार ले पाएंगे, और हम सच में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस शिक्षा को समझें, और हमेशा लोगों के प्रति विरोध में ना रहें, वरना क्या होगा ना, अपने हम अपने परिवारजनों के प्रति आप विरोध में रह सकते हैं, किसी ने आपको कुछ बोल दिया पर आप विरोध में हो गए उनके, कई बार आपको ऐसे बाहर से ना बोले पर आप अंदर ही अंदर विरोध में रह सकते हैं। तो प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग ऐसे पूरे टाइम अंदर से पीड़ा में, दुख में रहें, प्रभु क्या चाहता है, ये चाहता है कि उसके लोग उन अपने बड़ा मन हो, उनका बड़ा हृदय हो, और वो उन चीजों को अलग तरीके से भी सोचें। अब देखिए, अब दूसरा दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है 40वीं आयत में, 40वीं आयत में दूसरा उदाहरण है, उससे बोल रहे हैं प्रभु, यदि कोई तुम पर मुकदमा चलाकर तुम्हारा कुर्ता उतरवाना चाहे तो तू उसे अपना चोंगा भी दे दो। अब देखिए, ऐसा कहाँ ही होता है कि कोई मुकदमा करके कुर्ता मांगता है, कुर्ता मतलब क्या, कोई शर्ट जैसी चीज ना, इतनी छोटी चीजों के लिए तो कोई मुकदमा करता नहीं है। तो यहाँ प्रभु क्या बोलने वाले, यही बोलने वाले हैं, अगर कोई जोर जबरदस्ती से कोई छोटी चीज तुमसे ले ले, भाई देखिए यहाँ छोटी चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब जो आज्ञा है ना, ये जीवन की छोटी छोटी असुविधाओं के लिए है,
भाई अगर कोई मुकदमा करके घर लेना चाह रहा है तो बात अलग है, तो आपको पूरा अधिकार है कि भाई आप अपना वकील लीजिए और जो भी जैसे भी व्यवस्था में लिखा है उसके आगे चलिए। पर यहाँ क्या है, मुकदमा करके कुर्ता उतरवाना चाह रहा है। एक छोटी सी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही शर्ट है एक ही कुर्ता है। तो और ऐसा जीवन में बहुत होता है, शायद आपके पूरे जीवन में कभी ऐसा ना हो, कोई आपके ऊपर मुकदमा करके आपका घर लेना चाहे, पर ऐसा बहुत हो सकता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें लोग किसी ना किसी तरीके से मुकदमा करके कहीं ऐसे कुछ ऑफिसों में पॉलिटिक्स से या फिर किसी किसी तरीकों से ना छोटी चीजें हमारे जीवन से लें। तो हमें इन बात का ध्यान रखना है ना कि ये जो है एक छोटी चीज है, कुर्ता है एक छोटी चीज है, हमारा जीवन जो है उसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, राइट, है ना। हम तो स्वर्ग में भंडार भरना चाह रहे हैं, इस धरती पर नहीं। तो अगर कोई छोटी चीज है तो उसके लिए क्या है, प्रभु बोल रहे हैं कुर्ता लेना है तो उसे अपना चोंगा भी दे दो। ये क्या बात हुई, हाँ उसे चोंगा भी दे दो, क्योंकि ये तो छोटी सी चीज है, इसके लिए तुम्हें अपने अंदर पीड़ा और उसका विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। अपने जीवन में किन चीजों से तुम्हें संघर्ष करना है उनको चुनो, ऐसी छोटी छोटी चीजों को बड़ा मत बनाओ, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें जीवन में बहुत होती हैं। देखिए किसी के जीवन में क्या होगा, 80 साल से 90 साल तक के जीवन में क्या होगा, दो या तीन बहुत बड़ी बड़ी बुरी बातें हो सकती हैं, ट्रेजेडी हो सकती है, जिनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात, पर ये छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा होती रहेंगी, है ना। तो कई लोग क्या, कई अगर ये शिक्षा नहीं समझ में आए तो क्या है, उन छोटी चीजों में ही डूबे पड़े रहते हैं कि भाई उसने ऐसा मेरे साथ किया, मेरा कुर्ता ले लिया, ये कर लिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। पर वो तो बहुत छोटी सी चीज है ना, आज से 5 से 10 साल बाद आपको ही नहीं ध्यान रहेगा, मुझे ही नहीं ध्यान रहेगा। तो इन छोटी चीजों के परेशान होने की जगह उसको और भी दे दो कि ये लो तुम्हें कुर्ता चाहिए, तुम ये चोंगा भी ले जाओ। तो प्रभु यही बोलना चाह रहे हैं कि अपने जीवन का उद्देश्य ध्यान रखो, अपने जीवन का महत्व ध्यान रखो। तुम्हारा जीवन एक कुर्ते और एक चोगे से बहुत बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, तुम्हारा समय बहुमूल्य है, तुम्हारी भावनाएं बहुमूल्य है, इसलिए लोगों के विरोध करने में अपना दिन और जीवन व्यर्थ मत कर दो। इसके इसके बारे क्या करो, प्रभु के राज्य की खोज करो। प्रभु के राज्य की खोज करेंगे तो क्या होगा, ये सारी वस्तुएं हमारे पास वापस आ जाएंगी। इस बात का ध्यान रखो कि यहाँ जो हमारा जीवन है बहुत ही अस्थायी है, टेम्परल है, अस्थायी है ना। और हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन की जो सक्सेस है या हमारे जीवन की सफलता है ना, उसका नाप तोल इसमें तो नहीं है ना कि कितना सामान हमारे पास है, उसमें नहीं है ना। तो इसलिए ऐसी चीजों को जो ये छोटी लोमड़ियों की तरह है ना, एक श्रेष्ठ गीत में एक आयत है वो पढ़ सकते हैं, यहाँ बहुत फिट होती है। श्रेष्ठ गीत 2:15 उसमें लिखा हुआ है ऐसे, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लग गए। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो दाख की बारी है वो बिल्कुल तैयार है, पर क्या, पर उसमें कौन उसको बिगाड़ सकता है, ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो है ये बिगाड़ सकती हैं उस पूरी दाख की बारी को। बड़े ऐसा नहीं हो आंधी तूफान आए या ऐसा नहीं, छोटी छोटी लोग यहाँ बिगाड़ सकती, तो इनको पकड़ लो। तो इन्हीं चीजों को पकड़ो कि इन छोटी छोटी चीजों को उनको जाने दो और उनपे जो है दूसरों का विरोध मत करो। तो एक लूका में भी पढ़ते हैं, वहां भी प्रभु ने इसी बारे में कुछ बोला है। देखिए लूका उसके 12वें अध्याय में जाइए आप, लूका और उसका 12वां अध्याय और 13वीं आयत से पढ़िए, पढ़ते हैं आइए। फिर भीड़ में से एक ने उनसे कहा, मतलब कोई जना था प्रभु वहां भीड़ में थे, हे गुरु मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझसे बांट दे। प्रभु ने क्या कहा, उसने उससे कहा हे मनुष्य किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है। प्रभु ने बोला ये तो मेरा कोई काम ही नहीं है, मुझे कोई तुम्हारा न्याय या बांटने वाला तो नियुक्त किसी ने किया नहीं है। और अब देखिए 15वीं आयत है जो मैं बोलना चाहता हूँ, और उसने कहा चौकस रहो, मतलब बिल्कुल अलर्ट चौकन्ने रहो, हर प्रकार के लोभ और लालच से अपने आप को बचाओ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। देखिए तो प्रभु ने खुद ही बोला किसी के जीवन, मतलब
उसके जीवन की क्या वैल्यू है, उसको उसका जीवन की क्या सफलता है, उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है कि कितना संपत्ति उसके पास है, इससे नहीं होता है। तो इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं, अगर कोई जोर जबरदस्ती से मुकदमा कर कर किसी इधर उधर से कोई छोटी सी चीज तुमसे ले ले रहा है, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे कॉलोनी में, तो उसको दूसरी चीज दे दो। विरोध मत करो इन छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। अगर हम उस विरोध में अपनी भावनाओं को, अपने समय को नहीं व्यर्थ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रभु इन्हीं बारे में बोल रहे हैं, प्रभु बदला लेने लेने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बातों के ही बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन में रोजमर्रा होती है। अब आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं जो प्रभु ने बोला है। तीसरा उदाहरण है 41वीं आयत में, मत्ती 5:41 में। तो मत्ती 5:41 में लिखा है प्रभु ने, यदि कोई तुझे 1 मील चलाए तो तू उसके साथ 2 मील चला जा। तो देखिए पहला क्या था, पहला जो हमने पढ़ा था वो किसी प्रकार का कोई सुधार करने को हमें बोले, कोई आलोचना करे या कोई हमारा अपमान करे, वो एक तरीके से वचनों का था, जो किसी ने हमारे ऊपर ऐसे वचन बोले जो थप्पड़ के समान है। दूसरा क्या था, दूसरा कोई ऐसे हमारी चीज थी, जैसे कुर्ता, छोटी मोटी चीज हमारी, जो किसी ने जोर जबरदस्ती से हमसे ले ली, मुकदमा मतलब, है ना। अब तीसरी देखिए क्या है, तीसरी समय से मिली हुई है। यदि कोई तुझसे 1 मील चलने को बोले तो तू उसके साथ 2 मील चला जा। देखिए यहाँ प्रभु ये नहीं बोल रहे हैं, तुमसे तुम्हें कोई बोले चलो मेरे साथ दूसरे शहर चलो तो तुम उसके साथ 2 शहर चले जाओ, ऐसी बात नहीं बोल रहे प्रभु। प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1 मील चलने को, इसका क्या अर्थ है, 15 मिनट या 20 मिनट? तो अगर कोई तुमसे तुम्हारे 15 मिनट 20 मिनट लेना चाह रहा है तो दे दो उसको, 15-20 मिनट की जगह उसे 25 से 30 मिनट दे दो। 15-20 मिनट के लिए उसका विरोध मत करो, 15-20 मिनट बहुत नहीं है तुम्हारे जीवन के, उसका विरोध करने में उससे ज्यादा समय चला जाएगा। तो अब देखिए ये क्यों प्रभु ने बोला, उस समय क्या होता था जब प्रभु ने बोला था ये, तो ये रोमियो लोगों का, यहूदी लोगों पे राज था। तो ये जो रोमियो के जो ये सैनिक होते थे, उनकी तलवार होती थी, उनकी ढाल होती थी, बहुत सारा सामान होता था जैसे सैनिकों का होता था। तो जब सैनिक लोग क्या करते थे, जो आम आदमी है उनको जबरदस्ती बोलते थे कि भाई तुम मेरा ये पकड़ो और चलो, और खुद अपना खाली हाथ चलते थे कि अच्छा 1 मील तक चलो। ये उस तरीके से है ना, जैसे जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी हो, जैसे पुलिस वाले हो, और वो जबरदस्ती किसी से लिफ्ट ले लें, बोले जब जब छोड़ दो जब, और उसको पैसे भी ना दें ऑटो वाले को, उस तरीके का कुछ है मतलब, कि वो जो लोग अधिकार में थे ना, वो लोग जो सैनिक थे, तो वो लोग क्या है, वो जबरदस्ती बोल दें कि तुम मेरा पकड़ के चलो, तो जरा उसको चलना ही पड़ेगा, वो क्या ही बोल सकता है बेचारा। और जब भी वो चलता था क्या होता था, वो 15 मिनट चला फिर जाके उसने दे दिया, उसके बाद उसका पूरा दिन व्यर्थ हो गया है, पूरे दिन से लगता रहेगा कि भाई अब मुझे उसने वहां से वहां चला दिया, मेरे साथ ये कर, मुझे क्यों चलना पड़ा, क्या क्या जरूरत थी, ये कैसे अधिकारी लोग हैं। आप देख रहे हैं ऐसा, अब हमारे पास यहाँ ऐसा तो कोई नहीं, पर आपके साथ और दूसरे तरीके से हो सकता है। आप कहीं जाएं, आपको कोई दिन बाद में किसी तरह के फॉर्म भरने को बोल दिया जाए, दिन बाद में आपको आपके कॉलेज में स्कूल में ऐसे काम करने को बोला जाए जिन जो बिल्कुल आपके मन में अनरीजनेबल है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि तो व्यर्थ है, मैं ये क्यों करूं, मुझे क्यों करना चाहिए ये, पर आपको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो बोल रहा है वो अधिकार में ऊपर है, तो इसलिए आपको करना पड़ता है। पर आप जब वो काम छोटा ही है, बड़ा काम नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते भर का काम, वो बस 15 मिनट का काम है, तो 15 मिनट का काम करने में भी अंदर से बिल्कुल पीड़ा होके वो काम कराओ, काम करने के बाद भी क्या है, काम करने के बाद भी बहुत ही पीड़ा रही। प्रभु क्या बोल रहे हैं कि देखो समझो, ये जो काम है ये काम केवल 1 मील चलने का है, और ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही है। प्रभु ने तो पहले ही बोल दिया ना, हमने पढ़ा था ना 5:38 में कि बुरे व्यक्ति का विरोध मत करो, तो प्रभु ने तो पहले ही बोल दिया है कि वो बुरा व्यक्ति जो कर रहा है वो गलत है। ये बात नहीं है कि कौन गही कौन सही, कौन गलत और कौन सही है, बात यह है कि हमारी क्या प्रक्रिया है, किस क्या हमारा रवैया है इन छोटी बातों के लिए।
तो अगर वो 15 मिनट चलने को बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है तुम मुझे जो है मेरी आज्ञा का पालन करो, उसके साथ तुम खुशी से 20 मिनट चले जाओ। वो बिन बात में तुम्हारा 15 मिनट ले रहा है ना, तुम उसको 20 मिनट दे दो, क्या होगा? ठीक है, एक तो तुम्हें उस समय तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, और पर तुम्हें खुशी होगी, तुमने प्रभु को, प्रभु की आज्ञा मानी है ना, प्रभु की आज्ञा मानी। और जब ये खुशी होगी, प्रभु की आज्ञा मानी, प्रभु तो 15 मिनट हमारे जीवन में कभी भी जोड़ सकता है। पर देखिए, प्रभु नहीं चाहता कि हम उसके लोग जो है उसी तरीके से जिस तरीके से अविश्वासी लोग हैं छोटी छोटी बातों पे अपने अंदर ही लोगों का विरोध करते रहे, गवर्नमेंट का विरोध करते रहे, नेताओं का विरोध करते रहे, दोस्तों का विरोध करते रहे, अपने जो भी हमारे ऊपर है अधिकार में उनका विरोध करते रहे, ऐसा जरूरी नहीं है करना, है ना। तो यही प्रभु बोलना चाह रहे थे कि अगर वो तुम्हें 1 मील चलने को बोल रहा है अपना सामान पकड़ के, उसके साथ 2 मील चले जाओ, वो भी तुम्हें याद रखेगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब देखिए आखिरी उदाहरण देखते हैं। आखिरी उदाहरण प्रभु ने जो दिया है वो है, यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो वह दे दे, जो तुझे उधार लेना चाहे उसे मना मत कर। अब यहाँ पे भी कोई छोटी सी चीज की बात है भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई तुमसे तुम्हारा घर मांग रहा है, मैं गाड़ी मांग रहा है, ये सब बातें नहीं है। ये कोई छोटी सी चीज है जो तुमसे कोई उधार ले लेता है, वापस ही नहीं करता है ना। वो तो नहीं अच्छी आदत है, किसी उधार लिया वापस नहीं किया, पर वो चीज कितनी महत्वपूर्ण है। अगर वो चीज छोटी है तो जस्ट दे दो, दे दो और प्रभु की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि उन छोटी छोटी चीजों के लिए हमें अपने मन में झंझट नहीं करना है और उस तरह की असुविधा नहीं रखनी है। और कई बार लोग किसी किसी तरीके से वो चीज ले लेते हैं, गलत तरीकों से, पर ऐसा भी है तो अपना न्याय प्रभु के हाथ में छोड़ो, है ना। प्रभु ने क्या बोला कि न्याय करना तो मेरा काम है, प्रभु न्याय करेगा, प्रभु न्याय सबको देगा। और हमें अपने अंदर चिंता रखने की जगह क्या है, प्रभु के ऊपर ये चिंताएं छोड़ देने की, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आपने ऐसा बोला है कि उसका विरोध मत करो ऐसी छोटी छोटी असुविधाओं का, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी चिंताएं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। जो समय मेरा गया है आप वो समय मुझे देंगे, जो छोटी वस्तु मेरी गई है वो वस्तु आप मुझे देंगे। तो इस तरीके से क्या है, हमारा प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है वो भी जुड़ता है ना। और हम अंदर से ऐसे बौदर्ड परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवन यहाँ पृथ्वी पर है वो ही नहीं है सब कुछ, हमें अपने जीवन में प्रभु की जो योजना है, जो उसने सोची है उसे पूरा करना है, उसमें हम अपनी ऊर्जा, अपनी अपनी जो भावनाएं उसमें लगाते हैं, ना कि लोगों को विरोध करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब आप प्रार्थना करने जाए और प्रार्थना करने बैठे और आप ऐसे किसी जने से बातें कर रहे हैं जो वहां है ही नहीं, क्योंकि आप उसका विरोध कर रहे हैं कि अच्छा अगर अगली बार उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसे कर दूंगा, ये हुआ ये। प्रार्थना करने गए किससे, प्रभु से करने गए, पर हमारे अंदर इतना वो कुछ भरा हुआ है तो क्या होगा, प्रभु की जगह हम उन लोग उससे बात करेंगे इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो प्रभु ने लोगों को देखा है। देखिए प्रभु ये शिक्षा जो मत्ती 5 से 7 में दी है, ये बहुत सारे अनुभव के बाद दी है। प्रभु तो सबके हृदयों को देखता है, तो प्रभु ने सबके हृदयों को देखा है, कि कैसे विश्वासी लोग लोगों से विरोध कर करके अपनी भावनाओं को व्यर्थ कर रहे हैं, अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। और यही देख के बोला कि मैं तुमसे कहता हूं कि इन जीवन की छोटी छोटी असुविधाओं पर लोगों का विरोध मत करो भाई, अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसको दूसरे तरीके से सोचो, मेरे ऊपर मुझसे बात करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने क्या गलत किया है या सही किया है, मेरे पास लेके आओ, अगर तुम्हारा कुर्ता चला गया उसे चोगा दे दो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हारे जीवन में बाकी सारी चीजें और जोड़ दूंगा। अगर तुमसे कोई 1 मील चलना चाहता है तो तुम उसके साथ 2 मील चला जाओ, मैं तुम्हें और समय दूंगा। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, और ऐसा नहीं है कि अगर हम इसे सुन लें तो हम अपनी शक्ति से कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति से इसे नहीं कर सकते और ना ही अपनी शक्ति से हम इस पे चल सकते हैं, हमें प्रभु की शक्ति चाहिए। तो इस शिक्षा को लेके आप प्रार्थना करें कि प्रभु कैसे मैं इसे कर सकता हूँ, और जैसे आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने जो भी शिक्षाएं दी वो इसीलिए दी हैं कि हम कर पाए, ऐसी कोई भी बात हमें नहीं करने को बोली है जिसके लिए वो हमारी सहायता नहीं करना चाहता है, तो प्रभु हमारी सहायता करना चाहता है। तो जैसे हम इसको करने का प्रयास करेंगे प्रभु हमारी सहायता करेगा और हमारे जीवन में आनंद आएगा, और हम लोगों से विरोध में
नहीं रहेंगे, पर लोगों के प्रति लोगों को प्रेम कर पाएंगे, जबकि वो हमारे साथ जो है बुरा करते हैं, फिर भी हम उन्हें प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि हम उस बात को ध्यान रखेंगे प्रभु ने हमें कितना प्रेम किया, प्रभु हमें सब कुछ देगा। तो ये छोटा सा संदेश आपके साथ बांटना चाहता था, आप भी इसके बारे में पढ़िए और सोचिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए और जो शिक्षाएं प्रभु ने हमें दी। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें ऐसा सामर्थ्य दें कि हम इन शिक्षाओं पे चल पाएं और हमारा जीवन प्रभु के प्रेम से, प्रभु के आनंद से, प्रभु की शांति से भर जाए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी लोगों के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु कि उनकी क्या इच्छाएं हैं। अगर इस संदेश को सुनते समय कोई किसी बीमारी के साथ, दुख के साथ सुन रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको चंगाई देते हैं, उसको शांति देते हैं। प्रभु आप उसको सामर्थ्य दें, उसके शरीर में सामर्थ्य दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसे आशीष देते हैं। हे प्रभु आपका धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, आमेन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता हम सबके साथ बनी रहे, आमेन। आप सभी को जय मसीह की।